सब एक हो जाओ, आजादी का दीप जलाओ। पार्टी को एक महीने में जज कर रहे हैं। मैं आम आदमी पार्टी के एक एक व्यक्ति को उस दिन से जानता हूं जिस दिन तक वो सामाजिक कार्यकर्ता हुआ करते थे, राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं हुआ करते थे, और पानी पी पी के वो कहते थे कि हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम तो स्वयं सेवी संगठन चला रहे हैं। उसके बाद रुत बदली, लोग बदले, और वो जो है आ गए टोपी पहन करके, सबको पहनाने निकले टोपी, और उन्होंने बता दिया कि अब हम हो गए राजनीतिक दल। उसके पहले ही देखिए 89 साल के बुजुर्ग को छोड़ा, ये मैं उनके कैरेक्टर के उसको देखते हुए ये कटाक्ष कर रहा हूं कि एक महीने की वो पार्टी नहीं है। वो कहते हैं कि जनता ने हमको चुना है और हम सरकार बनाएंगे। जब सरकार बनाने की बात आती है तो कहते बच्चे की कसम खाई कि हम इनसे कांग्रेस वालों से समर्थन नहीं लेंगे। उसके बाद क्या हुआ, समर्थन ले लिया। कहानी हमने समर्थन नहीं लिया, 18 मुद्दों ने समर्थन लिया। अरे 18 मुद्दों के से पैर निकल आए हो, उसकी जान हो गई हो। अरे वाह भाई वाह। उसके बाद छोड़ दिया भाई। ताली ये लोग बुरा मान जाएंगे, ताली मत बजाइए, ताली केवल यही। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने कहा कि मैं सरकार नहीं बनाऊंगा, मैं जनमत संग्रह कराऊंगा। अरे भाई 28 सीटें जनमत संग्रह के माध्यम से ही सीखे थे। कितने वोट पड़े, 2 लाख पड़े, और जनमत संग्रह हो गया 2 लाख में, अब सरकार भी बना ली। उसके बाद उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि मिनिस्टर कौन लोग बनेंगे, 6 मिनिस्टर अपने आप बना लिए कमरे में बैठ करके, जनता की बात करते हैं। आम आदमी से पूछा था भैया हमारा मिनिस्टर कैसा होगा, उसमें क्या होने चाहिए थे, किसी से नहीं पूछा, कमरा बंद कर लिया और 6 बना लिए। हमें ये पता लगे कि ऐसे ही चलने थे। आम आदमी कहां चला गया जब आप धरने पर बैठने जा रहे थे? क्या आम आदमी से जनमत संग्रह कराया कि अरविंद केजरीवाल अब जो है संसद के सामने बैठने जा रहा है? क्या वो जनमत संग्रह था कि आपने डिसाइड कर लिया? अरे पहले तो जब आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो जनता के मन देते हैं। मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कि आपने 60 साल दिए, आप एक महीना नहीं दे रहे और पूरा लेक्चर दे दिया। नहीं, मैं तो 2 साल से देख रहा हूँ, पूरा लेक्चर दे दिया। उनका 60 साल से 60 साल आके मुंदी हुई थी कांग्रेस के ऊपर। मैं वापस आऊंगा नौजवानों।